मॉर्निंग क्लास एड। बच्चों आप लोग घर में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप लोग अपने हाथों को बार बार धोएं, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप लोग अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और बच्चों इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था ग्रह शून्य सुताविना, वो आपका कम्प्लीट हो गया। आज हम आपका जो सप्तम पाठ है, सेवंथ चैप्टर जो आपका है, वो है भारत जनता। भारत जनता हम का मतलब होता है मैं भारत की जनता हूँ, तो उस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका चैप्टर क्या है? भारत जनता अहम, यानी कि मैं भारत की जनता। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को आप क्या करेंगे, ये चैप्टर जो है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित है, ठीक है। काव्य जो है भारत जनता अहम से साभा उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषता है। जो ये चैप्टर है इसमें क्या है, जो भारत की जनता है उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कवि ने बताया है। कौन है इसके कवि? रमाकांत शुक्ल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और जिस तरह से मैं गा रही हूँ इसको, अगर आप भी इसी तरह से इस चैप्टर को गा के लर्न करेंगे तो आपको जल्दी लर्न होगा, इसलिए आप लोग इसको गा के लर्न करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिमान धन विनयोपेता सालीना भारत जनता अहम, कुलिसादपि कठिना कुसुमदपि सुकुमारा जनता भारत जनता अहम। तो जो क्या कहा गया है, अभिमान धना विनयोपेता सालीना भारत जनता है, कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता। तो अभिमान धना मीन्स क्या होता है, स्वाभिमान रूपी धन वाली। अभिमान धना मीन्स होता है स्वाभिमान रूपी धन वाली, और विनयोपेता मीन्स होता है विनम्रता से परिपूर्ण। तो जो भारत की जनता है वो कैसी है, स्वाभिमान रूपी धन वाली है। तो भारत की जनता की क्या विशेषता है कि मैं क्या हूँ, स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ और विनम्रता से परिपूर्ण हूँ, विनम्रता से पूर्ण तथा शालीन हूँ। फिर है आपका कुलिसादपि कठिना कुसुम। कुलिस मीन्स होता है वज्र, मैं क्या हूँ, वज्र के समान कठोर हूँ, और कुसुम, कुसुम मीन्स होता है फूल, तो फूल से भी अधिक कोमल, वज्र से भी अधिक क्या हूँ मैं, कठोर हूँ, और फूल से भी अधिक कोमल, ऐसी मैं क्या हूँ, भारत की जनता हूँ। ये देखिए, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली विनम्रता से पूर्ण तथा शालीन हूँ, मैं वज्र से भी कठोर तथा फूल से भी कोमल भारत की जनता, ठीक है। आप लोग इसको इस तरह से लर्न करेंगे। फिर है आपका दूसरा जो श्लोक है वह है निवसामि समस्ते संसारे मन्ने च कुटुम्बं वसुंधरा प्रेयः श्रेयः च चिनोभ्यं सुविवेका भारत जनता। क्या है, निवसामि समस्ते संसारे, मैं कहाँ रहती हूँ, पूरे संसार में, पूरे विश्व में मैं निवास करती हूँ, और पूरी पृथ्वी को कुटुम्बम वसुंधरा में, वसुंधरा में पृथ्वी में पूरे क्या करती हूँ, अपनी जो ये पूरी पृथ्वी है इसको क्या मानती हूँ, अपना परिवार कुटुम्ब मानती हूँ। प्रेयम श्रेयम च, मैं क्या करती हूँ, अच्छा लगने वाला है जो, प्रेयम रुचिकर है जो, और क्या है, कल्याणकारी है। श्रेयम मीन्स होता है कल्याणकारी, मैं ऐसा चुनती हूँ, मैं क्या हूँ, भारत की जनता हूँ। तो जो देखिये इसका अर्थ मैंने यहाँ लिखा है, मैं संपूर्ण संसार में निवास और इस धरती को परिवार मानती हूँ, प्रिय और कल्याणकारी दोनों मार्गों को चुनती हूँ, मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता। आया समझ में? तो चलिए थर्ड वाला श्लोक जो है वो पढ़ते हैं। विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा आध्यात्म सुधा तटिनी स्नान
परिपूता भारत जनता है। तो क्या है? विज्ञान धना। मैं क्या हूँ? विज्ञान। मैं ऐसी कैसी जनता हूँ जो क्या है, मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली। विज्ञान धना हमी, मैं विज्ञान और धन रूपी क्या हूँ, ऐसी धन वाली हूँ। और देखिए साहित्य संगीत, साहित्य में संगीत में, साहित्य संगीत और कला में क्या हूँ, मैं परायण हूँ। साहित्य संगीत और कला में मैं निपुण हूँ। आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी के स्नान से पवित्र, क्या हूँ मैं, आध्यात्म रूपी नदी के स्नान से क्या हूँ, परिपूर्ण हूँ, पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। कैसी हूँ मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य संगीत और कला में पारायण तथा आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी के स्नान से पवित्र मैं भारत की जनता। ठीक है, आप लोग इस तरह से इसको पढ़ेंगे। अब फोर्थ वाला देखिए क्या है, मम गीतेर मुग्धम सम जगत, मम नृत्यर मुग्धम सम जगत, मम काव्येर मुग्धम सम जगत, रस भरिता भारत जनता। मैं कैसी हूँ? गीतेर मुग्धम मीन्स देखिए क्या है, मेरे गीतों से सारा संसार क्या है, मुग्ध है। मैं कैसी भारत की जनता हूँ जो मेरे गीतों से क्या है, मुग्ध है, प्रसन्न है। मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है, मैं रस से परिपूर्ण भारत की जनता। कैसी हूँ? मेरे गीतों से क्या है, सारा संसार जो है मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है, और मेरे नृत्य से भी क्या है, सारा संसार मुग्ध है। मैं ऐसी रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। तो बच्चों आप लोग जो है ये जो गीत है इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे और लिखेंगे और इसका अर्थ भी लिखेंगे।